are going to learn subject geography in chapter number 7, International Dateline. Guys, before starting this chapter, the previous chapter, we were already studying about the local time and the standard time. And I think you all will remember how we were studied related to the local time and standard time. Now here we are going to learn related to the IST and GMT. And apart from this, we also have to relate between the IST and the GMT. So first of all, what is the meaning of IST and what is GMT? First of all, the full form of IST is Indian Standard Time, and the GMT, the full form of GMT is Greenwich Mean Time. So like, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले स्टैंडर्ड में हमने स्टडी किया था लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम से रिलेटेड. ये जो चैप्टर है इसमें हम स्टडी करेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन से रिलेटेड. Like example, we all were using the clock. हम सब ये time use करते हैं, am I right? Time use करते हैं daily basis से. हाँ ठीक है, ये common है, use कर रहे हैं, करते हैं. लेकिन ये कैसे change होता है? Right. So guys, ये सारे चीजें हम आज study करेंगे. See, this all in the previous standard we were already studied like this. All these things were depends on the earth rotation. अगर हमारा चीजें change होता है, like example, morning से afternoon, afternoon से evening होता है. So these all these things were based on the earth rotation or the revolution of the earth. सारे चीजें अगर हम बोले तो ये सारे चीजें या तो earth rotation की वजह से होता है या earth revolution की वजह से होता है. So we know well like the earth takes 24 hours to complete one rotation. ये हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि earth अपना एक rotation complete करने के लिए 24 hours का time लेता है. That's right. So यही सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे. But the thing is, यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा. Like in the 8th standard, we have seen related to the local and the standard. यहाँ पे जो है हम GMT देखेंगे, it's of Greenwich Mean Time. हम पूरा देखेंगे world का. ठीक है, fine. So based on this, we having the world map as well as the India map. तो हम लोग world map से related देखेंगे कि किस तरीके से ये GMT कहाँ से pass हुआ है और किसको बोलते हैं ये. ठीक है, so हम उसमें study करेंगे. And apart from this, जो मैंने आपको बताया IST वाला Indian Standard Time, वो हम इंडिया के मैप में देखेंगे. ठीक है, so come on guys, we'll start from the world map. So it is already given here. See, ये थोड़ा हिंदी में है, बट ये आपका वर्ल्ड मैप है. इज ऑलरेडी रिटन हियर संसार, सो इट मींस वर्ल्ड मैप. फाइन, नाउ यू आर हैविंग द इंडेक्स. ये आपका क्या है? इंडेक्स. बाय द वे, हमने स्टडी किया था अर्लियर में भी, पहले भी, कि ये इंडेक्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस. विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स वी कैन इजली फाइंड आउट एनी ऑफ द थिंग्स. हम इंडेक्स के जरिए कुछ भी चीज़ें इस मैप में फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इसके लिए ये इंडेक्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, फाइन. अब हम बात करते हैं किसका? GMT का. GMT इट मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम. बार बार मैंने आपको बताया. ठीक है, सी या गाइस, ये है आपका दिस लाइन. आपको ये दिख रहा होगा 0 degree. ठीक है, ये लाइन पास होता है अपना लंदन से, है ना. ये वर्ल्ड के बीच का लाइन है गाइस. ये आपका पूरा वर्ल्ड मैप है. ये दोनों के मतलब ये पूरे वर्ल्ड के बीच में से ये लाइन पास हुआ है, विच इज ग्रीनविच मीन टाइम. ठीक है, हम इसको मेरिडियन लाइन बोलते हैं. नाउ इट इज पासिस फ्रॉम दी लंडन. ठीक है, फिर से ये कहाँ से पास हुआ है? लंडन से पास हुआ है. फाइन, अब इसके अपोजिट में अगर आप देखोगे, लाइक एग्जांपल, अब ये आपको एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, एम आई राइट ना? बट गाइस, आपका ग्लोब कैसा होता है? स्पेरिकल इन शेप. हमारा अर्थ का शेप क्या है? स्पेरिकल शेप है. सो हमारा जो फर्स्ट लाइन होता है, मतलब जो आप स्टार्टिंग का देखते हैं, ये मिडल का लाइन, वो हम मेरिडियन बोलते हैं. लेकिन उसके अपोजिट की लाइन जो होता है वो 180 डिग्री का होता है. सही है, यहाँ पे आपको 0 degree दिया है ना. बट जब हम इसको फोल्ड करेंगे, सो एक स्प्रिकल शेप होगा. सो वो फोल्ड करेंगे तो 0 degree की अपोजिट वाली लाइन जो दिखेगा वो 180 डिग्री होता है. सही है, यहाँ पे दिया है 180 एंड हियर ऑल्सो इट्स गिवन 180. ठीक है, सो अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, स्प्रिकल शेप में करते हैं, सो ये दोनों मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. ठीक है, सो ये आपका मिडल का फर्स्ट में आप जब देखोगे, हाफ सेमी सर्कल देखोगे तो 0 degree दिखेगा. अपोजिट देखोगे तो दोनों फोल्ड हुआ रहता है, तो आपको 180 degree दिखेगा. ये आपका प्राइमरी लाइन है. फाइन, ठीक है. सो दिस लाइन इज नोन एज GMT लाइन. हम इसी लाइन को GMT लाइन बोलते हैं. ये पास हुआ है लंडन से, पास हुआ है. नाउ सेकेंड हमने क्या देखा था? IST देखा था. IST इज पासिस द मिडल ऑफ इंडिया. IST जो है हमारे इंडिया के मिडल से पास हुआ है. ये है हमारा इंडिया, दिख रहा होगा, ये हमारा इंडिया है. फाइन,
सो हमारी जो आईएसटी की लाइन है वो मिडिल ऑफ इंडिया से पास हुई है। हम डिग्री दे सकते हैं 82 degrees 30 minutes ईस्ट। ओके कंस्ट्रक्टर एक्ट के लिए ईस्ट हुआ। सो गाइस अपने को ये पता है ये ग्रीन मिस्ट 0 degrees से ये पार्ट पूरा जो आपका होता है ये ईस्ट होता है, ठीक है। एंड दिस पार्ट इज ऑफ वेस्ट। अच्छा अर्लियर में वी ऑल्सो हैव स्टडीड कि बिकॉज ऑफ दिस GMT लाइन, अब इस लाइन की वजह से हमारा जो अर्थ है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। वन इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड सेकेंड इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। फिर से वंस अगेन, बिकॉज ऑफ दिस लाइन, ये मेरिडियन की लाइन जो है, बिकॉज ऑफ दिस लाइन आर अर्थ इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। वन इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड सेकेंड इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। नाउ और एक बताती हूँ, सी हियर अगेन, ये हमारा स्टैंडिंग लाइन का था, मतलब हम लॉन्गिट्यूड की लाइन को देख रहे थे, अब हम लैटिट्यूड की लाइन देखते हैं, ठीक है। सो सी गाइस अगेन, अपनी वर्ल्ड के बीच में से और एक लाइन पास हुआ है 0 degrees का, विच इज नोन एज इक्वेटर लाइन, जो हम उसको किस नाम से जानते हैं, इक्वेटर की लाइन से जानते हैं, ठीक है। वो भी 0 degrees से ही पास हुआ है, बट हम ये हॉरिजॉन्टल की लाइन देख रहे हैं, लैटिट्यूड वाला, ठीक है। हाँ, सो बिकॉज ऑफ दिस इक्वेटर लाइन अगेन आर अर्थ इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। वन इज नॉर्थन, हमें ऊपर की पार्ट देखेंगे, सो वन इज नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड डाउन वन इज सदर्न हेमिस्फीयर। फिर से, फ्रॉम द इक्वेटर, बिकॉज ऑफ द इक्वेटर वी हैविंग द टू पार्ट द अर्थ, द अपर पार्ट इज नोन एज, फ्रॉम इक्वेटर टू अपर पार्ट इज नोन एज नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड फ्रॉम इक्वेटर टू डाउन पार्ट इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। सो इन दिस वे वी गॉट द 4 हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर एंड द लास्ट इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आई होप आपको ये हेमिस्फीयर समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये डिवाइड हुआ है। मेरिडियन की वजह से भी हमें पता चला कि हमारा ईस्ट और वेस्ट है, और फिर इक्वेटर की वजह से पता चला कि नॉर्थ और साउथ है, ठीक है। सो ये 4 पार्ट हुआ हमारा। नाउ नेक्स्ट, अब अपने को देखना है कि विच पार्ट इज अहेड, कौन सी पार्ट जो है वो अहेड, अहेड इट मीन्स आगे एंड बिहाइंड इट मीन्स पीछे, ठीक है। सो सी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो सनराइज होता है वो कहाँ से होता है, फ्रॉम द ईस्ट, एम आई राइट ना, एंड सनसेट इन वेस्ट। सनराइज जो होता है, सन उगता है ईस्ट से और सन सेट होता है वेस्ट में। सो दिस वन इज द ईस्ट पार्ट, अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा लेफ्ट है, सो ये जो है हमारा ईस्ट है, ठीक है, और यहाँ मेरे हिसाब से फाइन, और यहाँ पे मैं खड़ी हुआ, आई एम स्टैंडिंग हियर, सो मेरे हिसाब से ये वेस्ट हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, राइट हो गया, और ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ठीक है। सो ये यहाँ पे ईस्ट हो गया एंड दिस वन इज वेस्ट। सो ईस्ट इज ऑलवेज अहेड कंपेयरिंग टू द वेस्ट, ईस्ट हमेशा आगे रहता है वेस्ट के कंपेयर में, क्लियर। सो कम ऑन अगेन, हम बैक पे आते हैं। सो दिस पार्ट इज ईस्ट, यही हमारा ईस्ट है। सो हमने 8th स्टैंडर्ड में क्या स्टडी किया था, कि 1 degree is equal to इट्स टेक 4 minutes ऑफ डिस्टेंस। ये एक मिनट, एक डिग्री है जो कितने मिनट का डिस्टेंस लेता है, 4 minutes का डिस्टेंस लेता है। सो अगर ऐसे ही हम कंपेयर करें कि हमारा 0 degrees से 30 degrees है यहाँ पर, सो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 degrees का डिफरेंस है। सो 15 degrees is equal to 1 hour, ठीक है। 15 degrees कितना मिनट्स लेता है, वो 60 minutes लेता है, तो 60 minutes इट मीन्स 1 hour, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे 15 करूँ तो ये 1 hour होता है। सो फ्रॉम 0 to 30 degrees, सो हाउ मेनी आवर्स इट्स टेक। सो से यहाँ आप ये क्लॉक दिख रहा होगा, आपको क्लॉक दिख रहा होगा, सो सी द डिफरेंस, यहाँ पे देखो 12 noon दिख रहा है, दिख रहा है आपको, ये आपका 12 है, ठीक है, 12 noon, फाइन। सो 12 noon है, नाउ सी बिलो ऑफ द 30 degrees, आप देखो ये वॉच देखो, यहाँ पे देखो 2 बज रहा है, सो इट मीन्स फ्रॉम 12 noon to 30 degrees, सो यू आर हैविंग द डिफरेंस ऑफ 2 hours। मैंने आपको बताया 15 degrees का 1 hour होता है, तो 30 degrees का कितना होगा, तो 1 plus 1, 2 hours हो गया। सो हैज अ सेम वे फ्रॉम 30 degrees to 60 degrees, सी द डिफरेंस, यहाँ पे 2 बज रहा था, बट ये क्लॉक में देखो कितना बज रहा है, 4 बज रहा है, ठीक है। सो फ्रॉम 30 degrees to 60 degrees कितने मिनट का डिफरेंस है, गेस, 60 plus 60, 120 minutes का डिफरेंस, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है यहाँ पे।
अब हैज अ सेम वे, अगर मैं बोलूं फ्रॉम 0 डिग्री टू 60 डिग्री, व्हाट द डिफरेंस इज, हाउ मेनी आवर्स डिफरेंस वी हैविंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 60 डिग्री? तो 2 2 प्लस 2, सो फ्रॉम 0 डिग्री टू 60 डिग्री वी हैविंग द डिफरेंसेस ऑफ 4 आवर्स. क्लियर हुआ? यस. अपना इंडिया यहाँ पे है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में अपने इंडिया, ठीक है. ये हमारा IST का लाइन है. सी IST कहाँ से पासिस हुआ है मैं आपको बताती हूँ जब हम इंडिया का मैप देखेंगे, ठीक है. सो हमारे जो इंडिया है ऑलमोस्ट ये मिडल की पार्ट से IST पास हुआ है, सही है, ठीक है. अब ये 60 से 90 के बीच में चाहिए, यहाँ पे 4 बज रहा है एंड ये क्लॉक देखिए आप, यहाँ पे 6 बज रहा है, 2 घंटे का डिफरेंस है. बट अपने इंडिया तो यहाँ से पास नहीं हुआ है ना. हमारा तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला IST है और हमें वही मेजर करना है, फाइन. सो 60 डिग्री से 15 डिग्री यहाँ पे लेते हैं, 60 से मिडल ऑफ फ्रॉम 60 टू 90, बीच का पार्ट क्या होता है यहाँ पे 75 डिग्री. वेरी गुड, 75 डिग्री हुआ. सो अपने को 60 से 75 में कितना डिग्री है, ये 15 डिग्री है. तो 15 डिग्री का आर कितना है, 1 आर है. सो 4 प्लस 1 प्लस 1 5 आर हुआ. गेस अभी 75 से 82 अपना जाता है, 82 जाता है, मतलब ऑलमोस्ट और कितना डिग्री आगे है. सो अप्रोक्स 6 टू 7 डिग्रीज, एम आई राइट, फाइन. सो उसके हिसाब से 0.30. सो फ्रॉम 0 डिग्री मतलब ग्रीनविच से अपना जो IST की लाइन है या हमारी जो इंडिया है वो कितने आर्स के डिफरेंस पे है, 5 आर 30 मिनट्स. कितने आर्स के डिफरेंस पे है, 5 आर 30 मिनट्स. अहेड है, अहेड इट मीन्स अगर यहाँ पे 12 बजता है तो हम 12 बजे के हिसाब से अगर अपने इंडिया में देखेंगे IST पे, सो हमारा टाइम उस समय शाम के 5:30 बज रहे होंगे. मतलब हम 5.5 घंटा आगे चलते हैं GMT की लाइन से. हाँ, जैसे हमें अगर आपको देखना है कि अगर इंडिया में वो 5:30 बज रहा है सो वो ग्रीनविच पे कितना बज रहा होगा, सो आपको माइनस करके यहाँ पे आना है. क्लियर? मैंने क्या बताया, ईस्ट इज ऑलवेज अहेड. आप जितना आगे जाओगे आपको टाइम में ऐड करके मिलेगा, मतलब आपका टाइम उतना ही आगे करके दिखाई देगा. बट आप जितना ही वेस्ट में आओगे सो आपका टाइम हमेशा क्या दिखेगा, बिहाइंड दिखेगा, पीछे दिखेगा, माइनस में दिखेगा, फाइन. अभी सी ये तो हमने देखा, दिस थिंग्स वी हैव सीन रिलेटेड टू द ईस्ट साइड. हम थोड़ा वेस्ट में देख लेते हैं. सो सी ये वेस्ट का पार्ट है, फाइन. सो विल सी रिलेटेड टू द ब्राज़ील. आपको दिख रहा है ये पार्ट आपका ब्राज़ील है, ठीक है. दिस पार्ट इज ऑफ योर ब्राज़ील. ये कहाँ पे लोकेट करता है, गेस? हाँ करेक्ट, साउथ अमेरिका. वेरी गुड. ओके, सो ये पार्ट सी अब ये कैसे पता चले कि ये कैसा है, अहेड है कि बिहाइंड है? सो व्हाट आई टोल्ड यू द अर्लियर, वेस्ट इज ऑलवेज बिहाइंड, ठीक है. सो ग्रीनविच से अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो ग्रीनविच से ये ब्राज़ील 3 आवर्स के डिफरेंस पे है, 3 आवर्स के डिफरेंस पे है. एवरी डिग्री इज टेक 4 मिनट, हर एक डिग्री 4 मिनट का डिस्टेंस लेता है, 4 मिनट कवर करता है, ठीक है. सो उस हिसाब से ये जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील 3 आवर्स के डिफरेंस पे है, मतलब 3 घंटा पीछे चलता है GMT की लाइन से. और इंडिया IST जो है हमारा वो 5 आवर्स 30 मिनट आगे चलता है GMT की लाइन से. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. आई होप यू गॉट द पॉइंट, लाइक कि किस तरीके से GMT आगे चलता है और कैसे ये जो है हमारा IST जो है, सॉरी IST कैसे आगे चलता है और वेस्ट कैसे पीछे चलता है, ठीक है. सो हमने बताया आपको अर्लियर में ही कि सनराइज ईस्ट से होता है. सो यहाँ पर आप देखोगे डिफरेंस तो आपको बहुत ही ईजिली पता चलता है, ठीक है. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के हिसाब से ही, जो स्टैंडर्ड टाइम वहाँ पे माना गया है उसके हिसाब से हम अपने कंट्री में वही स्टैंडर्ड टाइम का यूज करते हैं, ठीक है. नाउ वी हैविंग द मैप ऑफ इंडिया, हम उसमें देख लेते हैं IST की लाइन वगैरह, ठीक है. एंड देन विल एंड द क्लास. सो यू ऑल कम टू द पॉइंट, द सेकेंड मैप इज ऑफ इंडिया. सो लुक हियर गाइस, दिस वन इज अ मैप ऑफ इंडिया. सी हियर ऑलरेडी गिवन द नेम इंडिया फिजिकल मैप, ओके. एंड दिस इज योर इंडेक्स, देख रहे हो आप. मैंने इंपॉर्टेंस बताया इसका इंडेक्स का, कि विद द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स वी कैन इजली फाइंड आउट द लोकेशन, अदर थिंग्स विच वी वॉन्ट, जो चीज़ें हमें चाहिए लाइक रिवर चाहिए या कोई प्लेस चाहिए, डिस्ट्रिक्ट चाहिए. सो विद द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स वी कैन इजली फाइंड आउट, ओके.
नाउ ये अपना इंडेक्स, ये अपना मैप है, हम क्या देख रहे थे यहाँ पे, आईएसटी एंड जीएमटी देख रहे थे, फाइन ना। सो इसमें आपको आईएसटी कैसे पता चलेगा कि फ्रॉम वेयर द आईएसटी इज पास, कहाँ से आईएसटी पास हुआ, कैसे पता चलेगा, सारे लाइन तो एक जैसे दिख रहे हैं। सो एनीवे लेट मी क्लियर इट आउट, क्या है हमारा जो आईएसटी इंडिया का, वो पास हुआ है मिर्जापुर से, इट पासिस फ्रॉम मिर्जापुर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलाहाबाद जो कि यूपी में आता है, फाइन। अब वो आपको कहाँ पे दिखेगा, वेयर इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलाहाबाद, सही है, आप देख रहे हो यहाँ पे अलाहाबाद दिख रहा है ना, दिख रहा होगा आपको अलाहाबाद, आपको मिर्जापुर भी दिखा यस, सही है ना, अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से मिर्जापुर से होते हुए ये जो लाइन है आपकी, ये इस लाइन को हम आईएसटी की लाइन बोलते हैं। एक्चुअली मैं आपको ये क्लियर कट में एक और छोटा सा मैप है वो भी दिखा दूंगी। सो दिस लाइन इज अ आईएसटी लाइन, ठीक है। अब ये कितने डिग्री से पास हुआ है, सो 82 डिग्री, मैंने आपको फर्स्ट मैप में बताया था 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ईस्ट क्यों लिखा, ईस्ट क्यों लिखा गाइस, क्योंकि हमारा वो मेरिडियन लाइन से ईस्ट की तरफ आता है, सो दैट्स व्हाई इट्स गिवन हियर ईस्ट। अगर इक्वेटर से ऊपर की तरफ बोलेंगे तो नॉर्थ, इक्वेटर से नीचे की तरफ बोलेंगे तो साउथ, मेरिडियन से ईस्ट की तरफ बोलेंगे तो पूरा पार्ट ईस्ट है, मेरिडियन से अगर वेस्ट की तरफ बोलेंगे तो पूरा अपन से लेकर, अपर से लेकर डाउन तक पूरा पार्ट अपना क्या होगा, वेस्ट होगा। सो दिस लाइन इज यू 82 डिग्री इस पासिस फ्रॉम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट फ्रॉम द मिर्जापुर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलाहाबाद, ठीक है, यही लाइन है और ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इस टाइम के हिसाब से ही फॉलो होता है पूरे कंट्री में, पूरे कंट्री मतलब अपने कंट्री में। ओके क्लियर हुआ, डन, ओके। एंड द बेस मोटो इज, आपको ये याद रखना है कि जो टाइम होता है हमारा, या जो हमारा लाइक आस जो होता है चेंज, या फिर हम डे नाइट मॉर्निंग जो हम चीज़ें देखते हैं, ये सारे चीज़ें किसकी वजह से होता है, तो अर्थ रोटेशन और फिर अर्थ रिवॉल्यूशन की वजह से होता है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द अर्थ रोटेशन एज वेल एज द अर्थ रिवॉल्यूशन, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, बेस्ड ऑन दिस एक और इमेज है, सो नॉट टू वरी, आपको इसमें और क्लियर हो जाएगा। Look here. Again, this one is a map of India. ये location और extent का बता रहा है. See here, the pink line दिख रहा होगा आपको, pink line है. मैंने आपको बताया, इस passes from the मिर्जापुर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मिर्जापुर दिया है. Look here. It's okay. Okay, and this line is known as the IST Indian Standard Time. See the degree 82 degree 30 minute east. It's okay. So we also be having the distance of kilometer from the east to west and from north to south. हमारे पास distance भी है. So see here, from east to west, it's covered 3000 kilometer. मतलब हमारे पास distance भी है कि कितना kilometer cover करता है east से west तक, north से south से. So from east to west, it cover 3000 kilometer. Okay. And from north to south, it cover 3200 kilometer. See here, already given here. North से south हमारा 3200 kilometer cover करता है और east से west 3000 kilometer cover करता है. Clear हुआ? And also भी आप seen कि कितना आस का difference है GMT से हमारा IST का, अपने इंडिया कितना कितने आस के डिफरेंस पे है. सो वी हैव सीन 5 hours 30 minutes, ओके। सो गाइस, इन दिस वे वी हैव स्टडीड अबाउट द वर्ल्ड मैप एंड वी हैव सीन द इंटरनेशनल ट्रेड लाइन, लाइक किस तरीके से होता है, कैसे चेंज होता है, फाइन, ओके। सो सी, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, ये जो है मैप है, बट एक्चुअली हम देखेंगे ग्लोब के हिसाब से. सो ग्लोब अर्थ इज ऑफ, फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया फर्स्ट में ही कि अर्थ इज ऑफ स्प्रिंकल इन शेप, सर्कल जैसा होता है, ठीक है. सो हम सेमी सर्कल, आधा पार्ट ही हम देख पाते हैं, आधा पार्ट बैक साइड होता है. सो जो आधा पार्ट में जो मिडल की लाइन होती है इज ऑफ योर 0 degree, सो मेरिडियन लाइन, ठीक है. अगर हम उसके अपोजिट में देखेंगे सो 180 degree की लाइन होता है, 180 degree की लाइन. आज सेम वे जैसे मैंने बताया कि ये आपका मैप है, अगर हम उसको फोल्ड करेंगे, एक सर्कल में बनाएंगे सिलेंड्रिकल शेप, सो ये जो आपका 180 degree है वो आपको वहाँ पर जाके मिल जाता है. एग्जाम्पल, सो लुक हियर, इमेजिन ये आपने एग्जाम्पल कि आपने ये मैप देखा, क्लियर, ये मैप देखा. सो
सो मैप इसमें सारा आपको फ्रंट में मिलेगा, बट अर्थ ऐसा नहीं होता, अर्थ आपका स्पेशल शेप होता है। सो क्या होता है वो फोल्ड होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे। तो ये फोल्ड में जब ऐसे फोल्ड होगा, ठीक है, सब चीज़ें से फोल्ड होगा, तो यहाँ पे जो मिडल की लाइन होगी ये आपका क्या है, जीरो डिग्री है, मेरिडियन है, फाइन। इसकी अपोजिट में जब आप देखो, इसे हमें सिर्फ सेमी सर्कल दिखता है, आधा ही दिखता है, आधा पीछे के साइड होता है। सो पीछे के साइड जब ये दोनों ज्वाइन होता है, सो यहाँ पर आपका 180 डिग्री होता है, दैट इज ए प्राइमरी डे, ठीक है। और ये इंटरनेशनल डे लाइन होता है, क्लियर हुआ? यस, फाइन, वेरी गुड। सो टुडे वी हैव सीन द फुल फॉर्म ऑफ जीएमटी, आईएसटी, एंड ऑल्सो वी हैव सीन द रिलेशन ऑफ जीएमटी एंड आईएसटी। जीएमटी हमने क्या देखा, ये ग्लोबल लेवल पर है, मतलब हम इसको इंटरनेशनल के तौर पे देखते हैं जीएमटी को, बट आईएसटी सिर्फ इंडियन स्टैंडर्ड है, हम सिर्फ इंडिया का ही देखते हैं। सो वी हैव सीन द रिलेशंस आल्सो, डिफरेंस हमने देख लिया कि जीएमटी हमने ग्लोबल लेवल पे देखा और आईएसटी हमने अपने इंडिया के लेवल पे देखा, क्लियर। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे इसके आगे द फर्दर, फाइन। सो फॉर टुडेज होमवर्क, आज का होमवर्क क्या रहेगा आपका, सो यू हैव टू राइट द फ्यू लाइन्स अबाउट द जीएमटी एज वेल एज द आईएसटी, फाइन। मैं आपको बोर्ड पर भी लिख के दे देती हूँ, सो नोट डाउन योर होमवर्क गाइस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट फ्यू लाइन्स ऑन जीएमटी एंड आईएसटी, कुछ लाइन आपको लिखना है जीएमटी में और कुछ लाइन आपको लिखना है आईएसटी के बारे में, ठीक है। जीएमटी हमने ग्रीनविच मीन टाइम जो ग्लोबल लेवल पे देखा, एंड आईएसटी जो हमने अपने इंडिया का देखा, इंडियन स्टैंडर्ड। एंड सेकेंड क्वेश्चन, वॉट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन जीएमटी एंड आईएसटी, जीएमटी एंड आईएसटी के बीच का टाइम का डिफरेंस कितना है। सो वी हैव ऑलरेडी सीन 5 hours 30 minutes, कितने आवर्स का डिफरेंस है जीएमटी से आईएसटी का, 5 hours 30 minutes, ओके। सो ये आपका क्या है, होमवर्क है, सो यू हैव टू राइट इट, फाइन। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग आपको पता है एज यूजुअल आपको सेंड इट इन ग्रुप ऑन फ्राइडे, सो इफ यू हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू द टॉपिक सो यू कैन आंसर मी। थैंक यू सो मच गाइस।